वेलकम व्यूअर्स, एफबी सीरीज में आपका फिर से बहुत स्वागत करती हूँ मैं सिमरन नागपाल विद नीतिका मैम। हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में कि किस तरह से हमारा न्यूट्रिशन एंड फूड किस तरह से हमें स्ट्रेस दे सकता है। इवेंचुअली मैं ये जानना चाहती हूँ और हम मैम से डिस्कस करना चाहती हूँ कि न्यूट्रिट किस तरह का फूड है जो हम खा के स्ट्रेस में चले जाते हैं एंड इवेंचुअली हम एक डिप्रेस्ड इंसान हो जाते हैं। आइए जानते हैं मैम से। थैंक यू सिमरन फॉर कॉलिंग मी अगेन हेयर ऑन द एफपी सीरीज। डेफिनेटली न्यूट्रिशन जो है वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्योंकि हम वही हैं जो हम खाते हैं। वी आर वॉट वी ईट। आजकल तो सिस्टम ही कुछ ऐसा हो गया है कि बच्चे न्यूट्रिशन भूल ही गए हैं, उनको बर्गर्स और पिज्ज़ा ही नज़र आते हैं। एब्सोल्युटली। और मदर्स भी वर्किंग हो गई हैं तो कई बार टिफ़िन नहीं पहुंचता, तो कैंटीन से बर्गर खा लिया या कुछ खा लिया। घर में भी हैं तो टीवी देखते देखते उन्होंने खाना खा लिया, तो न्यूट्रिशन ठीक से पहुंच ही नहीं रहा। मैम ये मैं देखती हूँ कि छोटे बच्चों में भी, मतलब एक 2 साल का बच्चा भी है तो उसको अगर आपको खाना खिलाना है तो आपको टीवी में कुछ भी चला के देना पड़ेगा। आई मीन विच इज़ लाइक कि बच्चे को ये समझ नहीं आ रहा वो खा क्या रहा है, तो ये बहुत अफेक्ट करता है। मतलब टेक्नोलॉजी ने भी कहीं ना कहीं बच्चों को और मे बी हम जैसे एल्डर्स को भी, बिकॉज वी आर बिजी ऑन मोबाइल्स, इस तरह से कहीं ना कहीं डिटैच किया है और इवेंचुअली स्ट्रेस पे तो दिया ही है। टाइम्स हैव चेंज्ड। टेक्नोलॉजी को हम अपनी लाइफ से बाहर नहीं ला सकते, कम कर सकते हैं ज़रूर। पुराने टाइम में आप अगर देखें तो सब इकट्ठे बैठ के खाना खाया करते थे, कुछ हैप्पी एटमॉस्फेयर होता था, कुछ इमोशंस इन्वॉल्व होते थे और सब फूड को ही देख के खा रहे होते थे। अब क्या हो गया, उस डाइनिंग टेबल पे भी 4 मोबाइल होते हैं, या अगर माँ घर पे नहीं है और न्यूक्लियर फैमिली है तो बच्चा कंप्यूटर के साथ खाएगा या फिर अपने लैपटॉप पे कोई कार्टून देख के खाएगा। अब इसमें ब्रेन जो है वो इट्स ऑलरेडी वर्किंग विद द फोन। राइट। एक्चुअली जो प्रोसेस खाने का है उसमें आप खाने को जब देखते हैं तो आपके टंग से कुछ सलाइवा सिक्रीट होते हैं विच हेल्प इन द डाइजेशन प्रोसेस। राइट। तो वो प्रोसेस तो हमने खत्म ही कर दिया व्हेन वी हैव टेक्नोलॉजी इन फ्रंट। तभी तो कहते हैं कि खाना खाएं तो आप गैजेट्स को हटा दीजिए। हटा दीजिए, बिल्कुल। तो ये फर्स्ट प्रोसेस तो यहीं खराब हो गया क्योंकि वो माइंड उसमें इन्वॉल्व है और बच्चा च्यू भी नहीं कर रहा। वी आर वॉट वी ईट एंड वी शुड ऑलवेज च्यू अवर फूड एंड ईट क्योंकि इट मेक्स अवर बॉडी ईजियर टू डाइजेस्ट दैट फूड। यस मैम, मैं बिल्कुल इस बात पे आपकी सहमत हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स भी ये बात देख रहे होंगे कि बच्चे या बड़े कोई भी इस गैजेट्स के थ्रू परेशान तो हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसकी कोई रेमेडीज, कोई ऐसी टिप्स बताएं जिससे वो हमारी लाइफ को टोटली चेंज करें और हम स्ट्रेस से बाहर आ पाएं। डेफिनेटली ये तो अपने फैमिली के ऊपर ही है, जो पेरेंटल गाइडेंस है, अपने वैल्यू कोर वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग किया जाए, स्ट्रेस और लाइफ मैनेजमेंट के कोर्सेज लिए जाएं ताकि पेरेंट्स ही अपने घर का सिस्टम चेंज कर सकें कि भाई जब टेबल पे हमने खाना खाना है तो वी हैव टू प्रे टू द फूड बिकॉज वी ऑल आर एनर्जीज एंड वी हैव टू गिव दैट एनर्जी टू द फूड। एंड पर्सन हु इज कुकिंग ऑल्सो हैज टू बी विद गुड एनर्जी। द होल सर्कल ऑफ द फूड हैज टू बी गुड, देन ओनली दैट फूड विल बिकम एज अ मेडिसिन टू यू। अदरवाइज अगर जो पर्सन खाना बना भी रहा है और आप अपनी मेड्स को कॉन्स्टेंटली डांट रहे हैं तो वो उसी इमोशन से आपको खाना परोस के देगी और वो खाना जब आपके अंदर जाएगा तो वो टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा, आमा ही पैदा करेगा। उसमें आप गुस्से में ही खाएंगे, उसमें आपका सलाइवाज ही नहीं सिक्रीट होंगे तो अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे होंगे और आप बीमारी की तरफ बढ़ते जाएंगे या आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये बात आप व्यूअर्स जानिए कि कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम अपना खाना बना रहे हों कैसी एनर्जी हम कैरी करते हैं, क्योंकि जब हमें बचपन से सिखाया जाता है, जब भी किसी की मम्मी नानी दादी सिखाती है वो यही बोलती है कि जब आप फूड बनाएं, जब भी आप अपने घर के लिए खाना बनाएं तो प्रभु का नाम ज़रूर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि जो एनर्जीज आप बनाते हुए दे रहे हैं वही एनर्जीज खाने वाले के अंदर जाएगी। तो ये तो बहुत ही प्यारी टिप है मैम, मैं ये बचपन से फॉलो करती आई हूँ एंड डेफिनेटली ये फील करती हूँ कि जब फूड प्रिपेयर करती हूँ तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स ज़रूर पास ऑन करने की कोशिश करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स भी जो देख रहे हैं वो इस चीज़ को फॉलो करें बिकॉज इट्स अ वंडरफुल टिप। मैम और भी मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ बिकॉज ये टॉपिक ही इतना वाइड है हमारा, तो आप थोड़ी सी और लाइट दीजिए इस टॉपिक पे वेरिन लोगों को रेमेडी पता चले
कि हाउ कैन फूड बी यू नो लाइक आजकल बहुत ही लोगों को शौक हो गया पतला होने का. तो मैनी यंग मदर्स वॉन्ट टू कीप देयर बॉडी स्लिम एंड ट्रिम, और उस चक्कर में कहीं वो सप्लीमेंट्स खा लेते हैं ऐसे, कई बारी वो खाना ही नहीं खाते हैं, कई बारी वो जीरो साइज होने के लिए अपनी बॉडी से सारा फैट एलिमिनेट कर देते हैं. Right. अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ब्रेन के जो 60% सेल्स हैं वो फैट सेल्स हैं. अगर वो उनकी कमी हो जाए तो आपका ब्रेन थोड़ा केमिकली डिसअलाइंड हो जाएगा, ये तो आपको पता ही नहीं होता है. तो उसी जद्दोजहद में जब आप कहते हैं कि हाय मेरा ये साइज नहीं पहुंच रहा, मेरा वो साइज नहीं पहुंच रहा, वही आपको डिप्रेशन की स्टेट तक पहुंचा देता है कहीं भरी. आपने देखा होगा जब पुराने टाइम में बच्चा पैदा होता था डिलीवरीज के बाद, तो जो माएँ दादियाँ होती थी वो आपको एक लड्डू खिलाती होती थी, पंजीरी लड्डू, घी से भरे हुए लड्डू. एक्चुअली ये आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन भी नहीं देते थे सिर्फ, ये आपके ब्रेन के सेल्स को भी स्ट्रांग करते थे. इसीलिए जो पोस्ट नेटल डिप्रेशन हो रहे हैं आजकल वो यही रीज़न है कि बॉडी में फैट ही नहीं है, राइट फैट. सो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट गुड न्यूट्रिशन इन योर बॉडी, यू कैन एड इन अ लिटिल बिट ऑफ फ्लैक्स सीड्स इन योर डाइट. You can add some good, कहते हैं good fat content in your body like देसी घी. आजकल बहुत ही लोगों ने organic देसी घी बनाना शुरू कर लिया है, जिसमें जो cows भी हैं वो organically fed हैं और happy cows हैं. तो जब आप happy होते हैं और आप अपने बच्चे को दूध भी पिलाते हैं तो वो ही इफ़ेक्ट बच्चे पे भी जाता है. तो सेम वे दैट फूड विल ऑल्सो गिव द सेम इफेक्ट टू यू. सो हैविंग फैट इन योर बॉडी इज़ नॉट बैड. You should have that good fat in your body so that your brains secrete those happy cells to keep you at a point where you're not depressed. मैं इस बारे में बिल्कुल सहमत हूँ कि जो हमारे पुराने ज़माने के लिए लोग थे definitely वो इस तरह की चीज़ें खाते थे और उनकी जो capacity of working थी वो हमसे ज़्यादा ही थी. तो अब जो भी पुराना समय है वो वापस आ रहा है, जैसे मैम ने कहा कि घी खाना बहुत ज़रूरी है. मैम आप न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई बहुत ही क्विक टिप्स दे सकेंगे? जी हाँ, अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करनी है, डिप्रेशन फ्री रहना है और न्यूट्रिशन को अपने साथ लेके चलना है तो कुछ टिप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. फर्स्ट, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए जिसमें पूरा न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फूड आपको लेना चाहिए जिसमें फैट भी इन्वॉल्व हो. लाइफस्टाइल तो आपको ठीक करना ही है, स्ट्रेस फ्री करना है, और बॉडी की आपको टॉक्सिसिटी कम करनी है जो आप एयर से भी आजकल ले रहे हैं. चाहे आप उसमें आप डिटॉक्स करिए या आप ऐसे कोई इंटरनल फूड लीजिए किसी आयुर्वेदा कंसल्टेंट से जो आपको डिटॉक्स करवाए. थर्डली, आपको रिफाइंड फूड से दूर रहना है. फिर आपको एसेंशियल फैटी एसिड अपने अंदर अच्छी मात्रा में डालने हैं, लाइक फिश ऑयल, लाइक फ्लैक्स सीड ऑयल, लाइक नट्स, एंड विच विल कीप योर हेल्दी ब्रेन. You should add some vitamin C in your diet, whether it can be through oranges, whether it can be through a vitamin supplement, because it increases your immunity and it will keep you away from the local colds and flus in the changing season. Agar ek cheez aur hai, Ramban, agar aap apni zindagi stress free banana chahte hain, to meditation ko apni life mein involve kijiye. Bahut hi badhiya baat boli, aur sabse important topic, which is meditation. तो क्यों ना अपनी नेक्स्ट सीरीज इसी टॉपिक पे बनाई जाए. माय डियर व्यूअर्स, मैं इस एपिसोड को यहीं एंड करूंगी और आपको जरूर बताती हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे मेडिटेशन. दिस टॉपिक इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट और मैं जानती हूँ आप जैसे बहुत सारे लोग मेडिटेशन के बारे में जानना चाहते होंगे. तो अगर आपकी कोई भी ऐसी क्वेरी है या आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं नीतिका मैम से, तो प्लीज इन दिए गए नंबरों पर कॉल कीजिए. जिंदगी दिल्ली के नंबर्स या नीतिका मैम के नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन हैव अ वेरी हैप्पी एंड अ वेरी हेल्दी लाइफ. थैंक यू मैम. थैंक यू.